व्लॉग में मुझे पता है कि 3-4 महीने बाद व्लॉग आ रहा है, लेकिन सीन ये है कि हम लोगों ने अभी जाना है हैप्पी पैलेस, जहाँ पे हम लोग पहले गए थे, और हम लोगों का वही अवेयरनेस प्रोग्राम ही हो रहा है। असल में हमें बस शौक है, मैं इसलिए डेली व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहा, महीने महीने में डालता हूँ, क्योंकि बस शौक है, कमाने वमाने का कोई मसला नहीं है, पैसा बहुत है अपने पास, क्यों है ना, पैसा बहुत है। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा की तरह हो गए हैं लेट, और अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं, फिर आपसे वहीं जाके मिलते हैं, और हम लोग बिल्कुल भूखे प्यासे हैं, वहीं मिलते हैं। भाई प्लान में हो गया थोड़ी सी चेंजिंग, पहले हम कहाँ जा रहे थे, पहले हम जा रहे थे गार्डन फोटो उठाने, हाँ, फिर उसके बाद फिर हमें जाना था वहाँ पे ना स्कूल, लेकिन अभी ऑन का मैसेज आया क्योंकि हम लोग हो गए बहुत ज़्यादा लेट, तो अभी हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट स्कूल। फोटो आइज को हमने स्किप कर दिया, अब जो देख रहे हैं, अगर स्कूल के बच्चे भी देख रहे हैं तो इसी वजह से करना पड़ा, हमें स्किप अगली दफ़ा ले आएंगे, बाकी ट्रैफिक खुल गया तो हम लोग निकलते हैं, अब हमें उड़ना है, बहुत सारे ले, हाँ अब बहुत लाए, तो होता है मकाओ मकाओ, बोलो बोलो ना, क्या है ये मकाओ, बोलो क्या हुआ ये हमारे साथ है, हमारा प्रैंक करके चली गई है, और कुछ नहीं हुआ, तो बोल रही थी, तो मैंने बोला मकाओ बोल दो, शक्ल भी नहीं दिखा रहा, भागती छोटी सी बच्ची थी, होशियार हो गए बहुत ज़्यादा, हाँ खैर हम क्या करें यार, अपना ट्रैफिक है बताओ। भाई उड़ते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और लोकेशन कुछ ही मिनट बाद आने वाली है, निकल ना जाए व्लॉग बनाते बनाते, देखते रहना, आगे ही है ना, तो अभी आप लोग सुनिएगा, हम लोग जलील होंगे, मैं व्लॉग वीडियो ऑन रखूँगा, सही है, और फ़ोन ना ऐसे नीचे रखूँगा, सही है, ताकि पता नहीं चले कि हम जलील हो रहे हैं, लेकिन अब मैं दिखाऊँगा दिखाऊँगा कैसे हम जलील होंगे भाई, मैं नहीं, यही यही तो मसला है ना सारा यार, हमारे सीनियर पहुंच जाते हैं, हम भी पहुंच जाते हैं, हमारे सीनियर भी पहुंचते हैं, बस यही है। खैर अभी हारिस वगैरह को बुलाते नीचे, फैसू भी हमारे साथ है ना, वो इंडिया वाले नहीं है हमारे यहाँ पे, अभी हम यहाँ से मुड़ते हैं, फिर इन लोगों को बुलाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सिस्टम है, हाँ यही यही गाड़ी, क्या हुआ सीट नहीं लाए यार, बोला ही नहीं था, बैठा बैठा लो टायर भी बैठ गया, अब क्या करें, बोलो उस्ताद तुम क्या कर रहे हो, भाई ये भी नए व्लॉगर आ गए, धक्का लगा रहे हैं बाइक को, अब पता नहीं है व्लॉग बना रहे हो, व्लॉग बन रहा है लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं घर से देखो ये असलियत, चलो एक काम करना है, मैं बाबा दादा हूँ, तुम घर जाना, फिर इंट्रो घर से बना, ऐसे ही उठना सो गया, मैं भी बहुत दफ़ा कर चुका हूँ ऐसा ही, इंट्रो नहीं बनाया लेकिन घर जाके बनाया, सही है, ओके सही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी तक वीडियो नहीं आई है लेकिन आ जाइए। स्कूल में हम लोग इंटर हो चुके हैं, और इस स्कूल का पहले ही व्लॉग बनाया था मैंने, लेकिन अभी थोड़ा सा सीन चेंज है, क्योंकि 3 साल पहले बनाया था आईएस, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या सीन है, बिल्कुल सीधी गाड़ी लगाई है मैंने, और ये टोटोइस भूल गए हमेशा की तरह, अरे ऐसा क्यों करते हो तुम, ये मैंने रेस्क्यू किया था, नाइस इट्स लुक सो कूल यार, पाकिस्तानियों के ये मसले हैं, ये बहुत शोर करेगा, पाकिस्तानियों के ये मसले हैं कि सामान उठा के नहीं ले जा सकते, तो गाड़ी अंदर ले आए, अब गाड़ी अंदर ले आए, अब स्कूल है तो पार्किंग का एरिया है नहीं, तो अब गाड़ी बाहर ले जाओ, पहले अंदर लाओ फिर बाहर ले जाओ, वॉट इज़ दिस बिहेवियर ब्रो। बाकी अभी मैं एक बात बता दूं कि आज जो 2 व्लॉग बनने वाले हैं, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं शॉपिंग करने भी जाऊंगा इंशाल्लाह शायद, और अगर नहीं किया उसके बाद आगे बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, बाकी आगे वाली गाड़ी में ऑन है और पीछे वाली गाड़ी में मैं हूँ, अभी हम गाड़ी बाहर लेके जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है, कहाँ पार्क करते हैं गाड़ी। भाई हम लोग ये पहुँच चुके हैं पुरानी लाइब्रेरी, पहले भी देखी होगी याद है, ये देखो छोड़ो, ये देखें, हाँ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ मेरे भाई, क्या बोल ले, तवाफ़े जानवर हो रहा है, चेक करें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सर, उम्र दे दो,
समझ रहे हो भाई, ऐसे ही नहीं देते हम बायो के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हम लोग। क्यों रियो जो देखो उसका नाम खुद से रखो, समझ गए रियो। अभी भाई मुझे नहीं पता क्या सीन है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है भूख और इन लोगों ने मुझे बिठाया हुआ बगैर नाश्ते के और इंजॉय कर रहे हैं सब अपना अपना। ये देखो इज ऑन। जानवरों को हम खाना खिला रहे हैं लेकिन हमें खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसा क्यों है इसीलिए चल रहा है। अब तक की जो बेहतरीन चीज़ है ना हमारे पास, अभी तक की जो आपने अभी तक नहीं देखी थी हमारे पास, वो है ये। देख के तो वाकई भाई आज की व्लॉगिंग डिफरेंट होने वाली है और मैं गाड़ी से ज़रा सामान लेने आया था। ओ ये नहीं है माजरा, ये तो कैसा लगा मेरा मजाक, मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा कोई गंदा था, लेकिन सीन ये है कि यार अब जो है ना व्लॉग्स में म्यूज़िक शूज़े कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल व्लॉग्स होंगे। और मैं भी आया हूँ गाड़ी में से बादाम निकालने। ओ माय गॉड ये तो बहुत सारे बादाम हैं यार, ये ऑनलाइन मंगवाए मुझसे। खैर चलते हैं, अभी सुनसान रोड पर आपका भाई बना रहा है। पता चला ज़िंदगी में सुनसानी आ गई, जो भी व्लॉग बना रहा हूँ वो चला गया। खैर अभी हम लोग चलते हैं अंदर। यार अभी सिर्फ हो रहा है क्या सीन हो रहा है, अभी सिर्फ एग्जीबिशन लगा हुआ है, शो जो है वो थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें हमारे पास इस दफ़ा जो है वो डॉग भी है और मंकी भी है और तीन चार चीज़ें और हैं जो डिफरेंट हैं। लेपर्ड गेको शायद आपने शो में नहीं देखी, तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं वो अभी आपको देखने को मिलेंगी। अभी मैं जाता हूँ अंदर, फिर हम लोग मिलते हैं, अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद। ये मेरा एरिया है, डिफरेंट हाउस नहीं है। ओके भाई मैं परेशान हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। सिखाते सिखाते आज हम लोग भी पढ़ने आए हैं। फैसल भाई पढ़ने आए हो? आइए पढ़ने, ये अपना काम करते ये पागल हो गया। ये आलियान भाई, ये न्यू इन आवर टीम। ये हमारे जीजू के हैंडलर्स, जीजू वेरी बिग फैन TRW न्यू के हैंडलर। अच्छा हमारी TRW जो है ना वो न्यू बन चुकी है और ये बाहर लड़के खड़े हैं, बोल रहे जॉन भाई हम भी पुलिस में मेरे गले में तेरी बात से नाची रहे। आपने ऐसा स्कूल कहीं नहीं देखा होगा, जी हाँ, जहाँ पे इंसान खड़े हुए हैं और जानवर बैठे हैं। और ये पढ़ने आए लाइब्रेरी में, इतना पढ़ के गया अभी उसको देख। हेलो, से हाय टू द कैमरा जीजो। आओ आओ आ जाओ यार, ये बहुत ज़्यादा टीम है, बहुत प्यारा है यार ये। आई स्वेयर टू गॉड, ओ मेरा बच्चा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ही मां सदर के व्लॉग में आए होंगे लोग, ये मुझे देखने आए हैं, मुझे देख के शोर कर रहे हैं भाई। चल झूठा क्राउड देख रहे हो, फर्स्ट मीटअप के नाम से होगा ये व्लॉग। एंड ही इज द ओनली सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स, इफ आई एम रॉन्ग। ही इज द ओनली सर्टिफाइड ट्रेनर इन पाकिस्तान एंड आई वुड लाइक यू पीपल टू वेलकम हिम। ही इज एन एसेट ऑफ पाकिस्तान। I would like to call upon on with his team, big round of applause for him. Mujhe taaliyan kam sunai de rahi hain. Acha jab aapka koi national hero aata hai to aise taali bajate hain. This is my friend aur aap log ye bio ki practical book mein lazmi dekhoge, theek hai? Ye one of the most dangerous snake hai aur one of the most भाई, लेकिन मसला ये मैं शर्ट नहीं पहन के आया इसलिए मैं
थोड़ा सा पीछे पीछे ही हूँ और मैं ब्लॉग बनाने में लगा हूँ और ये बिल्कुल ना पागल हो गया ही, देख लो। अच्छा मुझे पता है काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये पूरे ब्लॉग में करके एक आवाज़ आ रही है, वो किसकी आवाज़ है? तो वो आवाज़ है हमारे इनकी। भाई ये मेरे साथ बैठे हुए पागल हो गए, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ यार इनको असल में नीचे से ना डर लगता है, ये चाहते क्या माइंड पे रहे। ये देखो आओ पर आओ पर आओ जाओ। हमारे पास एक कैटेगरी आ गई हाई फ्लाई, ठीक है, एक होते हैं मीडियम और एक होते हैं ग्राउंड बर्ड्स। ग्राउंड बर्ड्स पता है कौन से होते हैं? अच्छा एक और चीज़ ये बर्ड अभी भी गर्मी है, बहुत बहुत रेयर है, इसे ही कहते हैं। अच्छा इनको पता है हमारे जो इंडेंजर्ड है, हाई इंडेंजर्ड है, हमारे घरों में जो छिपकली पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? इनकी क्लास है तो कम से कम स्टिच भी आता है, अगर ये कमजोर जगह मार देते हैं बहुत डीप तक ले जाते। शो हो चुका है हमारा ख़त्म और अब हम लोग जा रहे हैं घर। अब घर पहुंच के ही देखते हैं, कुछ खाना पीना अगर होता है तो वो करेंगे बीच में, अगर कोई खिला दे तो। बाकी रियो को आप देखें फुल चिल कर रहे हैं ऊपर बैठ के, और हम मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। एक मिनट जानी, इसको बहुत जल्दी हो रही है भाई, मेरे भाई को बहुत जल्दी। नाउ वी आर गोइंग बैक। 2000 years later. यार मैं घर आते ही सो गया था, तो अभी अभी उठा हूँ मैं, तो मैं उसका व्लॉग तो बना नहीं सका, मतलब आते ही घर का, क्योंकि हम लोग थक गए थे। मैं परसों सुबह का जागा हुआ था और सोया नहीं था, जागते जागते हम लोग घर तो इवेंट में चले गए थे जागते जागते, उसके बाद आए थे तो थके हुए थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं भी सो गया था, ऑन भी सो गया, हम सब सो गए। खैर अब जो है वो व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाकी इंशाल्लाह भी और व्लॉग्स आने वाले हैं कि डिफरेंट इवेंट्स वगैरह हम लोग करवाने वाले हैं इंशाल्लाह भी, और अलग अलग जगहों पे जो आप लोग खुद आके उसको अटेंड भी कर सकते हैं, वो पब्लिक प्लेस के लिए होगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। यार ये तो मैं पूछना ही भूल गया, व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? बेहतरीन।